सरकार अब डॉक्टर्स की क्लिनिक के लिए स्टैंडर्ड्स तय कर रही है। सरकार ने क्लिनिक के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके जरिए प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को क्लिनिक में मरीजों के लिए बेसिक सुविधाएं देने के साथ साथ मरीजों के रिकॉर्ड को भी रखना होगा। तो क्लिनिक्स के लिए नए ड्राफ्ट नियम जारी किए गए हैं। स्टैंडर्ड नियम सरकार ने तय किए हैं। क्लिनिक में आने वाले हर मरीज की रजिस्टर में एंट्री जरूरी होगी, चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक क्यों ना हो। बेसिक फर्नीचर इक्विपमेंट, 14 इमरजेंसी दवाएं जरूरी होंगी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपने हिसाब से इक्विपमेंट दवाएं रखेंगे। तो बहुत सारे नियम इसमें रखे गए हैं और इस तरह से सरकार ने तय किया है कि एक स्टैंडर्ड नियम जो है वो डॉक्टरी पेशे में अपनाए जाए। हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या क्या नियम अपनाए गए हैं? और जाहिर सी बात है कि ये कदम पहले भी जरूरी था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स के लिए रूल्स जो है वो प्रस्ताव उनका प्रस्ताव जो है आया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ये चाहता है कि जो भी डॉक्टर्स की जो क्लिनिक है, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हों चाहे एलोपैथी के डॉक्टर हों, वो कुछ सर्टेन जो है कंडीशंस को फॉलो करें। जैसे कि उनका जो उनकी क्लिनिक में जितना भी मरीज आए, हर मरीज का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। यानी डॉक्टर जो है वो मरीज का रिकॉर्ड जो है रखे। बहुत से डॉक्टर अभी ऐसा होता है कि दवाएं, जो भी दवाएं लिखते हैं या जो भी टेस्ट लिखते हैं उसकी सिर्फ एक कॉपी होती है और मरीज के पास ही होती है, डॉक्टर के पास मरीज का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसको लेकर के सरकार की स्कीम चलती है। मान लीजिए टीबी का कोई पेशेंट आया तो टीबी की स्कीम है, या कोई दूसरी और बीमारी की स्कीम है। तो ऐसी जो भी बीमारियां हैं जिनको लेकर के राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार कोई स्कीम चलाती है, तो ऐसी सभी बीमारियों का जो भी डॉक्टर के पास जो भी मरीज आता है उसका सारा आंकड़ा जो है रखना होगा। और हर तिमाही ये आंकड़ा जिले स्तर पर या जिस किसी भी सरकारी संस्थान से मांगा जाए उसे उसको ये डॉक्टर को देना पड़ेगा। दूसरी जो अहम चीज़ है ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से, वो ये है कि डॉक्टर को अपनी फ़ीस लिखनी पड़ेगी। यानी वो कंसल्टेशन के लिए कितनी फ़ीस ले रहा है या अगर कोई दूसरी सर्विस दे रहा है तो उसके लिए कितनी फ़ीस ले रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्प्ले करना होगा कहीं पर क्लिनिक में। और साथ ही जो कुछ 14 जो बड़ी बेसिक किस्म की दवाएं होती हैं वो हमेशा जो है क्लिनिक में रखनी होंगी। डॉक्टर कौन कौन सी दवाएं जो है अपने क्लिनिक में रख रहा है, इसका स्टॉक क्या है, उसका पूरा जो है डिटेल देना होगा। और एक और अहम चीज़ है कि जैसे 35 वर्ग फुट कारपेट एरिया तय किया गया है कि कम से कम इतने का रिसेप्शन होना चाहिए। यानी मरीज अगर क्लिनिक में आता है तो उसके लिए ठीक से बैठने की जगह हो और उसके साथ कोई आता है तो उसे कोई दिक्कत ना हो। साथ ही कम से कम 70 वर्ग फुट एरिया जो है वो कंसल्टेंसी वाला एरिया होना चाहिए, यानी जहाँ पर मरीज की जाँच की जाती है। साथ ही इसके अलावा जो बेसिक किस्म के इक्विपमेंट हैं, जैसे कि बीपी की मशीन हो या अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत है तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर टाइप के आते हैं पोर्टेबल वाले, वो होने चाहिए। तो बाकी जो बेसिक फर्नीचर जैसे होते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लिनिक में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई डेंटिस्ट है तो उसके लिए अलग कंडीशन होगी, अगर कोई कार्डियक वाला डॉक्टर है तो उसके लिए अलग जो डिवाइसेज हैं और जो बेसिक इक्विपमेंट हैं वो सारे अलग अलग होंगे। बेसिक पर्पज़ ये है कि जो डॉक्टर हैं वो एक रेगुलेटेड वे में काम करें, मरीजों को बेहतर सुविधा मिले और ट्रांसपेरेंट तरीके से मिले। डॉक्टर्स के लिए कंडीशन जो है रखी गई है कि तीन चीज़ें हैं। एक और जो बड़ी बेसिक कंडीशन है कि डॉक्टर या तो राज्य सरकार के मेडिकल काउंसिल में या केंद्र सरकार के मेडिकल काउंसिल में कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो बायो मेडिकल वेस्ट होता है वो कैसे क्लिनिक से निकलेगा, उसके निस्तारण के लिए क्या इंतजाम होगा, उसके लिए भी जो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये बेसिक कुछ पैरामीटर तय किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार इस पर 45 दिनों तक जो सभी संबंधित पक्ष हैं उनकी राय लेगी और उसके बाद अंतिम जो है रूप दिया जाएगा इन नियमों को। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश आपका इस अहम खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। और वाकई पेशेंट्स के लिहाज से और डॉक्टरी पेशे के लिहाज से ये अहम बदलाव जरूरी थे।